और मिशन 2024 पर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? वो नेता भ्रष्टाचारी है। कोई नेता अगर देश में देखो कि वो कह रहा है फ्री की रेवड़ी खराब है, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, सरकार घाटे में चली जाएगी, समझ जाओ उसकी नीयत खराब है। वो अपने दोस्तों के कर्जे माफ करना चाहता है, अपने परिवार के घर भरना चाहता है, जनता को लूटना चाहता है, MLA खरीदना चाहता है, वो देश का बेड़ा गर्क करना चाहता है। ये एक आज टेस्ट लेके चले जाना, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नेता ईमानदार, जो नेता कहे जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए वो नेता बेईमान और भ्रष्टाचारी और गद्दार। और ये चारों चीजें जनता को बहुत पसंद आ रही हैं, और इसी वजह से दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार बनी, पंजाब में हमारी सरकार बन गई, और अब गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी। अब ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं, कैसे रोकें? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो अब इन्होंने मिलके खूब प्लानिंग करी है, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो, चारों तरफ से घेर लो इनको, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे दिल्ली के MLAs के ऊपर, 169 केस हो चुके अभी तक, 169 केस, 169 केसेस, एक केस में भी सजा नहीं हुई, एक में भी, 169 में से 135 केस बाइज्जत बरी हो गए, 34 केस बचे। इससे क्या पता चलता है? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। एक केस में तो सजा हो जाती, 169 में से 20, 25, 30 केस में सजा होती, 40 केस में सजा होती, हम सोचते भाई कुछ गड़बड़ है, हमारे MLA भ्रष्ट हैं। 169 में से एक केस में सजा नहीं हुई, 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है, उसमें भी बरी हो जाएंगे। इसका मतलब है जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं ना मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं ये। सतिंदर जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। UN के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि मोहल्ला क्लिनिक सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। उस आदमी ने फ्री बिजली का इजाद किया, उसी ने निकाला आइडिया कि बिजली फ्री भी दी जा सकती है। उस आदमी ने पूरी दिल्ली को फ्री इलाज दिया, आज दिल्ली के अंदर जो हर आदमी को फ्री इलाज मिल रहा है उसकी वजह से मिल रहा है। उसको 3 महीने से इन्होंने जेल में डाला हुआ है, और अभी पिछले 3 सुनवाई से जज बार बार पूछ रही है CBI वालों से, ED वालों से, भाई कोई सबूत तो दिखा दो, इसका कसूर क्या है, पढ़ा होगा आपने अखबारों में। जज ने 3 हेयरिंग में पूछा कि कोई तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो इसके खिलाफ, वो एक भी सबूत केंद्र सरकार नहीं दे पाई। तो 3 हेयरिंग के बाद केंद्र सरकार आके कहती है ये जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। शर्म की बात है, ये हो क्या रहा है इस देश, ये देश के अंदर हो क्या रहा है? कहते हैं जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। और अब इन्होंने एक और नया पैंतरा शुरू कर दिया, सतिंदर जैन के घर रेड मारी, कुछ नहीं मिला। उसी दिन इन्होंने किसी और ज्वेलर के यहां रेड मारी, उसके यहां कैश मिला। बोले सतिंदर जैन के सहयोगी के यहां कैश मिला, रहे काहे का सहयोगी, कोई जान ना पहचान, किसी अरे गहरे के यहां रेड मार देते हो। अब कह रहे हैं मनीष के साथ भी यूं ही करेंगे, मनीष के यहां कुछ नहीं मिला इनको, मनीष के घर रेड मारी, बोले 144 करोड़ रुपए खा गया, कोई बोला 1000 करोड़ रुपए खा गया, कपड़े देख लो इसके। एक सौ चवालीस करोड़ रुपए वाला आदमी ऐसे कपड़े पहनता है थोड़ी तो, और 144 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए खा गया होता तो घर में कुछ इधर उधर अलमारी में 1000, 2000, 10000, 20000, 1,00,000, 2,00,000 तो मिलते, ढेला नहीं मिला इसके घर।
फिर इनके गांव गए, मनीष के गांव गए, उन्होंने सोचा इसने जमीन खरीद रखी होगी। सारे गांव में पूछा इन्होंने, सीबीआई ईडी केंद्र सरकार ने, कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर में गए, बैंक में गए, इन्होंने सोचा लॉकर में होगा। तो इनका छोटा बच्चा, जब वो मीर इनका छोटा था, उसका एक झुंझुना था, वो याद के लिए उन्होंने लॉकर में रख रखा था, वो झुंझुना मिला इनको, लॉकर में झुंझुना मिला, कुछ नहीं मिला। 144 करोड़ खा गया कि मनीष सिसोदिया इतने। अब इन्होंने प्लानिंग करी है, अब एक दिन ये रेड करेंगे, 500 तेरे गहरे नथु गहरों को पकड़ लेंगे और फिर कहेंगे मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले, मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां मिले। पर जनता देख रही है, जनता देख रही है, रोज सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर मार के आता है। कोई भ्रष्टाचारी आदमी सुबह 6 बजे उठ के स्कूलों के चक्कर नहीं मारता। कोई भ्रष्टाचारी होगा तो पहले रात को बैठ के दारू पिएगा, थोड़ी गलत काम करेगा, सवेरे तो लेट उठेगा वो। 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी स्कूलों के चक्कर काट सकता है, 6 बजे उठ के ईमानदार आदमी बच्चों का भविष्य बनाने की सोच सकता है, कोई बेईमान आदमी थोड़ी सोचेगा। अब कल इन्होंने अमानतुल्ला को पकड़ लिया, अमानतुल्ला को भी बोले इसके से उसके घर कुछ नहीं मिला, अमानतुल्ला के यहां उसके सहयोगी के यहां फलाना मिला, ढिमका मिला, ये मिला। उसका सहयोगी सारे टीवी चैनलों में जा के कह रहा है जी जो भी मिला मेरा है, और उसके यहां भी कुछ नहीं मिला से। अब उसका इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया। तो अब मेरे को ये पता चला है इनका ऑपरेशन लोटस तो फेल हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश करी, 20-20 करोड़ रुपए एक एक एमएलए को इन्होंने कोशिश करी, एक भी एमएलए नहीं टूटा। हमने सारे के सारे गिनती करा दी थी विधानसभा के अंदर, एक भी एमएलए नहीं टूटा। फिर ये पंजाब गए, पंजाब के अंदर 25-25 करोड़ एमएलए को देने की कोशिश करी। इनकी प्लानिंग थी पंजाब में भी और दिल्ली में भी 40-40 एमएलए खरीद के तोड़ लेंगे, पंजाब में भी ये नहीं तोड़ पाए। अब इन्होंने ऑपरेशन लोटस फेज 2 शुरू किया है। कल से एमएलए के पास फोन आने चालू हो गए, या तो तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो अमानतुल्ला का किया था। धमकियां दे रहे हैं, तुम्हारे पीछे भी ईडी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी एसीबी छोड़ देंगे, तुम्हारे पीछे भी। अभी तक तो कोई टूटा नहीं है जी, और मेरे को लगता नहीं कोई टूटेगा। मैंने स्वतंत्रता संग्राम तो नहीं देखा था, मैंने आजादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, मैं स्वतंत्रता सेनानियों से तो नहीं मिला, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का एक एक एमएलए जिस तरह से इनका सामना कर रहा है, मैं समझता हूं ये कोई हमारा एक एक एमएलए किसी स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। जिस तरह से इनके सामने मुकाबला कर रहा है, लालच का 25-25 करोड़ रुपए त्याग दिए, ईडी की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीबीआई की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसे त्याग दिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के माहौल के अंदर कोई ये छोटी बात नहीं है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, ये सबको जेल में डालेंगे। सतिंदर को डाल दिया, अमानतुल्ला को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डालने की तैयारी चल रही है। इसके बाद कैलाश गहलोत का नंबर है, उसके यहां भी रेड होने वाली है, कई एमएलए जेल जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखना, 3 से 4 महीने जेल जाने के लिए तैयारी कर लो, फिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने अपने घर में बोल दो। कल पंजाब से मेरे पास 2-3 एमएलए आए थे, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा अगर 3 से 4 महीने जेल जाने को तैयार हो, और जेल उतनी बुरी भी नहीं है, मैं भी गया हूं, 15 दिन मैं जेल में रहा था, 3 से 4 महीने जेल जाने की तैयारी कर लो, अगर सबके अंदर ये हिम्मत आ जाए, उसके बाद ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्होंने अभी तक पूरे देश में 285 एमएलए खरीदे हैं, 285 एमएलए। कोई कहता है 50 करोड़ दिए, कोई कहता है 40 करोड़, कोई 25 करोड़, कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ रुपए
इन्होंने एमएलए खरीदने में खर्च कर दिए 7 से 8 हजार करोड़। कहां से आया इतना पैसा? कहते हैं भ्रष्टाचार हम कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार तो तुम कर रहे हो, तुम लूट रहे हो जनता को, सारी देश को लूट लिया, लूट लूट के एमएलए खरीदते हो, खुलेआम खरीद रहे हो, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हो जाती है लाल किले पे खड़े होके कहने की कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। पूरे देश में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, करोड़ों रुपए में एमएलए खरीदते फिर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत हो गई कहने मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा 75 साल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार ने किया है। आजकल ये मीडिया को भी खूब धमकियां दे रहे हैं। गुजरात में इन्होंने इतनी धमकी दी किसी भी आम आदमी पार्टी वाले को डिबेट में नहीं बुलाना। शाम को डिबेट होता है, डिबेट में चर्चा होती है कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, और उसमें आम आदमी पार्टी वालों को नहीं बुलाते। कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, ये कैसे हो सकता? ऐसे धमकियां दे रखी हैं वहां पे। गुजरात में किसी अखबार में हमारा कुछ नहीं छपता, और फिर भी गुजरात के अंदर बल्ले बल्ले हो रही है, चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया से। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं शायद, हीरेन जोशी जी हैं एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर, क्या धमकियां दे रहे हैं वो। ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हीरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी, अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। और अब केवल मीडिया के भरोसे नहीं रहा देश ने, सोशल मीडिया के ऊपर जनता अब सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है, सोशल मीडिया के जरिए। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। हम सबको मिलके भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है कि नहीं बनाना है? भारत दुनिया का नंबर 1 देश केवल भाषणबाजी करने से नहीं बनेगा। विदेशों में भाषण करके आ जाओ और कह दो हम विश्व गुरु बन गए, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा। एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, तब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश कोई एक आदमी नहीं बनाएगा। जब इस देश का एक एक बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, बहुत अच्छी बात है, मैंने बधाई दी उनको। पर 5 साल में 14,500 सरकारी स्कूल ठीक करोगे? देश में 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं, सारे स्कूल ठीक करते करते तो 500 साल लग जाएंगे। अब ये देश रुकने को तैयार नहीं है, देश बेचैन है, देश बहुत बेचैन हो रहा है। 5 साल में सारे सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। देश मांग कर रहा है कि अगर दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल 5 साल में ठीक हो सकते हैं, अगर पंजाब के सारे स्कूल 5 साल में हम ठीक करके दिखाएंगे, तो पूरे देश के सारे सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर ठीक हो सकते हैं। पैसा है, पैसे की लूट बंद होगी, सारे सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। और अगर सारे सरकारी स्कूल ठीक हो गए, तो भाई साहब एक एक बच्चा मेरे देश का कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, और अपने घर की गरीबी दूर करेगा। 5 साल के अंदर हम देश की गरीबी दूर कर सकते हैं।
दूसरी चीज, अगर अपने को भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है, हमें अपने सारे लोगों के लिए अच्छा और फ्री के इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा, खूब अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे करने पड़ेंगे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।